लोग ये कहते हैं कि भाई मंडी का मुख्यमंत्री सिर्फ जयराम है, इसका मुख्यमंत्री नहीं हो सकता आपके जिले से, क्यों नहीं हो सकता इसका मुख्यमंत्री नहीं हो सकता आपके जिले से, क्यों नहीं हो सकता। कांग्रेस की तरफ से सीएम कैंडिडेट कौन होगा, इसको लेकर अभी कयास लगाए ही जा रहे थे कि पार्टी के वरिष्ठ नेता ठाकुर कौर सिंह ने अपनी दावेदारी पेश कर दी है, वह भी ठोक कर। कौर सिंह का यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह अपना मंसूबा जाहिर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसका मुख्यमंत्री नहीं हो सकता आपके जिले से, क्यों नहीं हो सकता इसका मुख्यमंत्री नहीं हो सकता आपके जिले से, क्यों नहीं हो सकता। थोड़ी साधारण भाषा में कहें तो वह सीएम बनने की अपनी अभिलाषा जाहिर कर रहे हैं। सीएम पद को लेकर ठाकुर कौर सिंह के जहन में क्या है, यह आप खुद वीडियो देखिए जो तेजी से वायरल हो रहा है। ठीक है कि विस्तार के हिसाब से मैं 8 बार हिमाचल विधानसभा का जो है विधायक रह चुका हूँ, 4 बार मैंने मंत्री की वोट ली है, विधानसभा का अध्यक्ष भी मैं रह चुका हूँ, सोनिया गांधी के कृपा से 2 बार कांग्रेस का अध्यक्ष रह चुका हूँ, तो कोई पद मेरे पास ऐसा नहीं है जो पद किसी और के पास हो। इसलिए अब जो भी होगा मंडी, लोग ये कहते हैं कि भाई मंडी का मुख्यमंत्री सिर्फ जयराम है, कांग्रेस का मुख्यमंत्री नहीं हो सकता आपके जिले से, क्यों नहीं हो सकता। इसमें कोई संदेह नहीं कि ठाकुर कौर सिंह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और सीएम पद के पैरामीटर पर उन्हें आज की तारीख में खारिज भी नहीं किया जा सकता। लेकिन कांग्रेस में वीरभद्र सिंह और जीएस बाली के इंतकाल के बाद जो कतार बनी है उसमें लाजमी तौर पर दावेदार कई हैं और कईयों के मंसूबे पर सीएम बनने का सपना भी है। लेकिन कांग्रेस हाईकमान ने भी लगता है दूर की गोटी सेट की है, यही वजह है कि पार्टी ने पहले ही साफ किया है कि बिना चेहरे के वह विधानसभा चुनाव लड़ेगी। यही वजह है कि तमाम मतभेदों को साइड करके कांग्रेसी नेता प्रचार प्रसार में जुटे हैं। लेकिन ठाकुर कौर सिंह की इस दावेदारी ने कांग्रेस खेमे में हलचल और बीजेपी खेमे में तोड़फोड़ की अपॉर्चुनिटी जरूर दे दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार फर्स्ट। तो रख सा अभिमान पिया तो भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।